एक आपके लिए गिफ्ट है जो हाय एवरीवन, माय नेम इज रोहित। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू मेक योर रिज्यूमे एंड हाउ टू रिजेक्ट योर रिज्यूमे, यानी दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला ये डिस्कस कर लेंगे कि हमारी रिज्यूमे जो है किन कारणों वजह से कंपनी हमारी रिज्यूमे को रिजेक्ट कर देती है। फिर दूसरी बात हम लोग कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें रिज्यूमे बनाते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए जिसकी वजह से कंपनी जो है हमारी रिज्यूमे को रिजेक्ट ना करे। पहले बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि उन स्टूडेंट का बेनिफिट होने वाला है जो कि एक प्राइवेट कंपनी या तो फिर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर या तो कुछ इस तरह के जो भी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं उन सारे स्टूडेंट का हेल्प हो रही होगी। कोई भी ब्रांच हो सभी स्टूडेंट का इसमें हेल्प हो रहा होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, यदि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने रिज्यूमे के बारे में लिए हुए हैं कि क्यों हमारी रिज्यूमे जो है रिजेक्ट हो जाती है और किसी कंपनी की तरफ से हमारी कॉल नहीं आती है और हम किसी जॉब के लिए नहीं जा पाते हैं। तो आप अपनी रिज्यूमे को बना रहे हो तो उस समय ये सारी बातें को ध्यान में रखते हुए अपनी रिज्यूमे को बिल्ड करें जिससे कि आपका काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। सबसे पहले बात करेंगे कि हाउ टू रिजेक्ट योर रिज्यूमे। जब आप किसी कंपनी के अंदर अपनी रिज्यूमे को भेजते हैं या जब आपकी प्लेसमेंट टाइम होती है तब आप अपनी रिज्यूमे भेजते हैं तो आपकी रिज्यूमे जो है रिजेक्ट कर दी जाती है और उधर से आपकी कॉल नहीं आती है और आपकी जॉब नहीं लग पाती है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि कंपनी के अंदर एक ATS नाम की एप्लीकेशन होती है जिसके कारण आपके जो है रिज्यूमे को वहाँ पे पूरा चेक किया जाता है। ATS कहने का मतलब है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम क्या करती है कि आपके जो रिज्यूमे है उसका पूरा का पूरा 7 सेकंड के अंदर में आपकी पूरा चीज़ों पड़ती है और जो कंपनी के लिए जरूरत होती है आप वो पॉइंट वहाँ पे नहीं रखें रिज्यूमे के अंदर तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका भी सोल्यूशन बताएंगे कि आपको करना क्या है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात है कि जब आप रिज्यूमे अपने बना रहे हैं तो वहाँ पे जो बुलेट पॉइंट, यानी कहने का मतलब है कि जब आप रिज्यूमे को बना रहे हैं तो जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस तरह की रिज्यूमे आप बनाएंगे। कहने का मतलब है कि जब आप रिज्यूमे को बना रहे हैं तो ये ध्यान में रखेंगे कि जैसे जैसे जिस तरह की कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस तरह की आप रिज्यूमे को चेंज या अपडेट करते रहेंगे। जैसे कि आप फ्रंट एंड का एक प्रोग्रामर है तो फ्रंट एंड के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो बुलेट पॉइंट अगर उनको नहीं मिला, अगर उनके जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर, तो वो क्या कर देगा, आपके रिज्यूमे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आप जिस चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कंपनी में ज़रूरत है वो चीज़ आपके रिज्यूमे के अंदर है या नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जब आप रिज्यूमे बना रहे हैं तो एक पेज से दो पेज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक पेज के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप अपनी रिज्यूमे को बनाएं तो वो PDF के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो रिक्रूटर होते हैं या फिर जो इंटरव्यूअर होते हैं वो अपने मोबाइल के अंदर भी देख लेते हैं। तो वो जो किसी के मोबाइल के अंदर जो है, अगर आप किसी एक्सेल पे बनाए हैं या तो फिर किसी WS पे बनाए हैं तो वहाँ पे जो है ये एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि अपनी जो है रिज्यूमे एक पेज के बनाने हैं और दो कॉलम बना सकते हैं अगर आपको बनाने हैं तो। इसकी पूरी वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी। यहाँ पे सिर्फ आपको समझने वाली बात है कि जब आप रिज्यूमे बना रहे हैं तो आपको सिंगल पेज होने चाहिए वहाँ पे, और अपने जो आपके सबसे ज़्यादा अच्छे जो मार्क्स हैं, यदि आपके एडुकेशन अच्छे हैं तो आप अपने एडुकेशन को सबसे ऊपर रखेंगे, आपकी स्किल बहुत अच्छी है तो आप अपने स्किल को ऊपर रखेंगे। एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा कि जब अपनी रिज्यूमे को बिल्ड कर रहे हैं तो उस समय जो इन्फॉर्मेशन अपने रिज्यूमे के अंदर डाल रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है ट्रू होना चाहिए, मतलब आप उस पर काम किए हो, उस तरह के आपके प्रोजेक्ट होने चाहिए। क्योंकि जब आपके जो रिक्रूटर होते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो उससे रिलेटेड, तो आप उसको जवाब दे पाए, नहीं तो आपकी जो रिज्यूमे है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको जॉब नहीं मिलेगी। और याद रखिए कि जब अपनी रिज्यूमे को बिल्ड कर रहे हैं तो उसको ये ध्यान में रखते हुए बिल्ड करेंगे कि हम अपनी जो रिज्यूमे है उसको टाइम टू टाइम अपडेट कर पाएं। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम किसी और कंपनी के अंदर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें ज़रूरत है वो चीज़ें हम डालें, और किसी और कंपनी के अंदर जा रहे हैं तो वो चीज़ें वहाँ पे उस चीज़ों में इन्वॉल्व होने चाहिए। मैंने कुछ ऐसी आपको रिज्यूमे बिल्ड करने हैं जिसमें कि सारी कुछ कॉमन चीज़ें जो है सारी कंपनी के अंदर होती है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए हो तो कुछ चीज़ें जो होती है कॉमन होती हैं तो आप वहाँ पर रख सकते हैं, बाकी बात जो चीज़ें उसमें ज़्यादा चीज़ मांगी जाती है वो उसमें ज्यादा आप लिख सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। आपकी जो रिज्यूमे है वो तीन लोगों के पास जाती है। पहला तो हमारा ATS मशीन हो गई जो हमारी पूरी रिज्यूमे को स्कैन करती है, दूसरा हमारा रिक्रूटर होता है, और तीसरा जो है हमारा वो इंटरव्यूअर होते हैं। तो ये तीनों के पास जाते हैं जिसके वजह से हमारी रिज्यूमे जो है रिजेक्ट होने का कारण बनती है। तो आप उस बुलेट पॉइंट को वहां पे सबमिट करेंगे या ऐसे बुलेट पॉइंट उस पे रखेंगे जो उस कंपनी के लिए जरूरत होती है। इसमें आपका हाउ टू मेक योर रिज्यूमे भी आंसर मिल गया होगा। ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो रिज्यूमे है वन पेज का होना चाहिए। दूसरी बात कि आप PDF के फॉर्म में उसे रखेंगे या फिर भेजेंगे। दूसरी तीसरी बात यहाँ पे ये हो गई कि हमारी जो रिज्यूमे होनी चाहिए उनके अंदर जो सबसे पहले हमारा, अगर अच्छे हमारे मार्क्स हैं तो हम सबसे पहले अपनी
जो एडुकेशन है उसको रख सकते हैं, लेकिन अगर हमने अच्छे अचीवमेंट की है या फिर हमने अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं तो उसको आप ऊपर रख सकते हैं। बाकी बात धीरे धीरे जो अच्छे अच्छे चीज़ें हैं वो सबसे ऊपर रखने हैं, बाकी बात आप धीरे धीरे नीचे करते जाएंगे और सारी चीज़ उसमें इन्वॉल्व करने हैं एक ही पेज के अंदर, जो कि हमारा जो रिक्रूटर है या फिर इंटरव्यूअर है, ठीक है, या फिर जो हमारी ATS मशीन है वो उसको स्कैन करे और हमारी जो है रिज्यूमे रिजेक्ट ना हो और हम जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप कि आपने समझा होगा कि आपको रिज्यूमे किस तरह से बिल्ड करनी है। आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरा रिज्यूमे जो है किस तरह से बिल्ड किया गया, हमने क्या क्या चीजें रखी है जो कि विप्रो के अंदर सिलेक्ट किया गया है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी को ये जो है डाउट जो है कुछ क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी डाउट क्लियर हो जाएगी, सारा चीज आपको दिख रहा होगा। एक आपके लिए गिफ्ट है जो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेम्पलेट मिल जाएगी आपको रिज्यूमे की, कि आपको किस तरह से अपनी रिज्यूमे को बिल्ड करनी है। तो बस आज के लिए इतना ही, तक के लिए टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।